नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भगवा धारण कर ही लिया, विधिवत तौर से बीजेपी में शामिल हो गए और अपने अगले मिशन में जुट गए। यह मिशन है कमलनाथ आउट शिवराज इन, और यह मुमकिन करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंधिया के कंधों पर ही है। अभी के हालात में कमलनाथ की सरकार बचना किसी चमत्कार जैसा ही लग रहा है, लेकिन कमलनाथ ने भी हथियार नहीं डाले और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बीजेपी को भी अपने विधायकों को भोपाल से निकालकर गुरुग्राम पहुंचाना पड़ा। वहीं अपने विधायकों को कमलनाथ ने गहलोत की सुरक्षा में जयपुर शिफ्ट कर दिया। अब सवाल यही है कि क्या महाराज और शिवराज करेंगे कमलनाथ का तख्ता पलट, लेकिन उससे पहले देखिए महाराजा सिंधिया की बीजेपी की इनिंग्स की शुरुआत कैसे हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शुभ मुहूर्त में भगवाधारी हो गए। अपना जाना पहचाना कांग्रेसी चोला छोड़कर वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भगवा पटका पहनाकर पार्टी में उनकी अगवानी की। बीजेपी के लिए ये बड़ी और शानदार कामयाबी है। पार्टी इसे सिंधिया की घर वापसी की तरह पेश कर रही है। ज्योतिरादित्य के साथ अब समूचा सिंधिया खानदान बीजेपी में है। इमोशनल सिंधिया ने आज के दिन को अपने जीवन की दो अहम तारीखों में जगह दी। 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए न तो बीजेपी अजनबी है, न बीजेपी के लिए वो अजनबी। उनके लिए बीजेपी के राष्ट्रवादी और हिंदूवादी विचारधारा में खुद को फिट करना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। सत्ता से सिंधिया परिवार का रिश्ता पुराना है, लेकिन मध्य प्रदेश की फांस सिंधिया के मन में गहरी धंसी है। ये कमलनाथ सरकार पर उनके सीधे और तीखे हमले से साफ है। वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। इससे पहले सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर भी बड़ी बेबाकी से बोले। जाहिर है, जिस पार्टी को उनके पिता ने अपना जीवन दिया, जिस पार्टी में ज्योतिरादित्य ने 18 साल तक अपना खून पसीना लगाया, उसे छोड़ने का फैसला आसान नहीं रहा होगा, व्यथित करने वाला ही होगा। लेकिन गांधी परिवार के करीबी रहे सिंधिया ने दो टूक कहा कि ये वो कांग्रेस नहीं है। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। कांग्रेस आज सिंधिया के इस्तीफे को तवज्जो न देने का अभिनय कर रही है। गांधी परिवार के करीबी अपनी वफादारी साबित करने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी जानते हैं कि ये पार्टी का कितना बड़ा नुकसान है। अब तक पार्टी के हितैषी जो बात धीरे धीरे कहते थे, सिंधिया ने उसे साबित कर दिया। जले पर नमक ये कि सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। ऐलान कर दिया कि देश नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। इसमें दो राय नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सियासत के चमकते सितारे हैं। उनके पास राजनीति के लिए लंबा भविष्य पड़ा है। सिंधिया का मध्य प्रदेश के चंबल, ग्वालियर और गुना के इलाके में बहुत असर है। सिंधिया को अपने पाले में लाकर बीजेपी के पास दो मकसद पूरे करने का मौका है। एक तो मध्य प्रदेश की सत्ता और दूसरी राज्यसभा की सीट। बीजेपी इस राज्यसभा चुनाव को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। कई राज्यों में हार की वजह से राज्यसभा में एनडीए बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रहा है, लिहाजा सिंधिया का बीजेपी में आना पार्टी के लिए सोने पर सुहागे जैसा होगा।